सबसे ज्यादा जो परेशान रहते हैं ना इसी से होते हैं। ये देखिए महीने का 24-25 हज़ार इसी में मेरा चल जाता है। तो दोस्तों फाइनली जो है दुकान से घर पे आ चुके हैं और देख सकते हैं वाइफ जो है रेडी है शॉर्ट्स बनाने के लिए। दोस्तों काम का शुरुआत जो है ना बिना सर बहाने हमसे होता ही नहीं है। सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं हमेशा सर में दर्द रहता है और इंशाल्लाह ये कब खत्म होगा ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो दोस्तों जा रहे हैं दुकान पे और देखिए हमारी बेटी किस तरीके से सोई हुई है और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और ये देखिए जाने के ही नाम पे आवाज़ सुनते ही किस तरीके से जग चुकी है। जो यार चलना है क्या दुकान पे चलना है? अरे ये देखिए दुकान पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। हाँ ये क्या था, हंस रही है बेटी। तो आप सब हमेशा पूछते रहते हो कि आप सिलाई के चैनल से या दुकान से कितना कमाते हो, तो चैनल से तो एक बार हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन दुकान का पता नहीं चला है आज तक मैं महीने का कितना कमाता हूँ। तो इसी सोल्यूशन के लिए मैं एक कार्ड बनाया हूँ, ये देखिए, जिसमें मैं इसमें जो है अपना खर्चा और इनकम दोनों लिखूंगा, क्योंकि दुकान जब चलता है तो कभी कभी अल्ट्रेशन बनाते हैं तो कभी कपड़ा जाता है तो कभी नहीं जाता है, कभी कभी तो एक हफ्ते बहनी भी नहीं होता है। तो इस पर डेट रहेगा और डेट लिखकर खर्चा और इनकम इस पर लिख देंगे और चार्ट भी बनाते हैं और इसको रख देंगे काउंटर के अंदर और लास्ट दिन आप सभी को बताएंगे पूरा फाइनल हिसाब करके। ऐसे डेली कार्ड आप सभी को मिलता रहेगा कि मैं डेली कितना इनकम किया और कितना खर्चा किया और डेली ब्लॉग हम आज से स्टार्ट किए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, लगातार एक महीना हम अपने वीडियोज में बताएंगे डेली का इनकम और खर्चा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो यार, ये ब्लॉग का चैनल है इंटरटेनमेंट का। तो चलिए अभी फिलहाल हम काम कर लेते हैं और टाइम हो रहा है 6 बज गया, ठीक है। तो अब मुझे जो है अभी 3 पैंट पेस्टिंग किए हैं तो देखते हैं कितना बन पाता है और इसी के साथ वीडियोस का भी काम रहता है तो मेरा बहुत ज़्यादा उलझन वाला काम हो जाता है, कभी कभी मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ दुकान में। तो चलिए फिलहाल मैं काम करता हूँ, फिर आप सभी से बीच बीच में बात होती रहेगी। दोस्तों सुबह सुबह पेट खाली हो गया है तो थोड़ा सा केला खा लेते हैं, फिर जो है कामों पर बैठेंगे क्योंकि आज मूड बना के आए हैं कि आज काम दिल खोल के करना है। दोस्तों कल से हम गेस कर रहे हैं दुकान में कुछ ना कुछ तो मरा हुआ है, बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है और आज हमने बहुत कोशिश किया लेकिन मिला नहीं। जाहिद आएगा तो पूरा काउंटर साफ कराएंगे और काउंटर के नीचे चेक कराएंगे तब पता चलेगा। और अभी जो है वाइफ के पास फोन कर लेते हैं क्योंकि एक ही ब्लाउज लेडीज काम तो हम करते नहीं, मन नहीं करता है करने के लिए। एक ब्लाउज सीने के लिए जो मेरा दादा के बहन के है तो शायद आज आने वाली है कि नहीं तो पूछ लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले वही मुझे बनाना पड़ेगा। मुंड में है मन है पैंट बनाने का, तो ये दर्जी का काम जो होता है ना मुंड के ऊपर होता है। मुंड अगर सही है तो काम बहुत फास्ट होगा, मुंड अगर बेकार हो गया ना तो उस दिन एक भी काम नहीं कर पाओगे। और लोग ज़्यादा पैसा कमाता है ज़्यादा ही काम करने का मन करता है, लेकिन इस लाइन में तो उतना पैसा है नहीं, मैं क्या बताऊँ। काम अच्छा खासा चल रहा है, वर्कर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा इनकम है, यानी कि जितना ज़्यादा स्टिचिंग उतना ज़्यादा पैसा। अगर काम कम है खुद से नहीं करोगे तो 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं होगा, घर से ही कारीगर को देना पड़ता है, लेकिन कोई समझे तब तो। तो वाइफ अब लग रहा है कि सुबह सुबह अभी सावा छोड़ रहे हैं तो अपने कामों में अझुराई होगी, मोबाइल घर पर छोड़ के तो खुद कॉल करेगी तब पूछ लेंगे। फिलहाल तो हम पैंट मन है तो पैंट ही सियेंगे लेते हैं। हेलो, बोल रहे हैं कि दादी आएगी क्या आज? पूछ के बताना, पैंट नहीं सी है ना उसका ब्लाउज, पैंट मन कर रहा है पैंट सीने के लिए तो हम पैंट सीने जा रहे हैं, ठीक है। मालूम चलेगा तो बताना, ठीक है। ऐसे आज सील देंगे, क्या कर रही हो? बर्तन धो ली भाई सुबह सुबह।
चलो ठीक है, तरफ काम कर रहे हैं, परफेक्ट। मेरा नेक बैंड होता, गाना सुनने वाला छूट गया होगा, मन नहीं लगेगा, भेज देना किसी से। काट दी दोस्तों, काम का शुरुआत जो है ना बिना सर बहाने हमसे होता ही नहीं है। सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं, हमेशा सर में दर्द रहता है, और इंशाल्लाह ये कब खत्म होगा ये तो मुझे भी पता नहीं है। अब टेंशन से दर्द करता है या कोई प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा 100% है कि टेंशन से ही दर्द करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज का टेंशन, लोन का टेंशन, और दुकान से उतना कमाई भी नहीं, वीडियोस काम करते हैं, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो इस पर भी उतना नहीं हो पाता है। खैर चलिए, जैसे लाइफ चल रहा है अभी चलने देना चाहिए। जैसे कि बुजुर्ग लोग कहावत कह गए हैं कि लाइफ में दुख सुख जो है भाई बहन है, वह आता जाता रहेगा, इसे कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं घबराता और हमेशा एक्टिव रहता हूँ। हो जाता है कभी कभी यार टेंशन, पैसों को लेके कोई कर्ज वाला आके बोल दिया, या लोन का समय हो गया तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, या घर में किसी का तबीयत खराब हो गया और पैसा नहीं है तो टेंशन तो होना ही है, लाजमी है। तो दोस्तों नाश्ता आ गया है, तो नाश्ते में क्या आया है आप देख सकते हैं, ये है आलू दम और ये है रोटी। तो इसको हम खाना खा लेते हैं, खाने के बाद फिर से जो है काम करते हैं। अभी तक एक भी पैंट नहीं सिलाया दोस्त, और टाइम हो चुका है 9, तो बहुत ही स्लो काम हो रहा है, मूड ऑफ है, काम करने के मूड में आया हूँ लेकिन मूड ऑफ हो गया है कुछ टेंशन के कारण। तो नाश्ता कर लेते हैं फिर काम करते हैं। दोस्तों लाइट कटा हुआ है, जब तक मैं शॉर्ट कटिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। अभी एक भी शॉर्ट नहीं सिल पाया हूँ, आधा भी काम नहीं हो पाया, लाइट बहुत कट रहा है इसी कारण, ठीक है। तो मैं कटिंग का काम कर ले रहा हूँ ताकि नाइट में काटना ना पड़े, फिर फेस्टिंग करके कल का काम करने के लिए रेडी कर सके। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं फिलहाल। दोस्तों कल ही शाम को वाइफ का बीपी चेक करवाए थे शाम को, और अभी देह में दर्द और बुखार हो गया, परेशान हो उसका बीमारी से। बट कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसे तो झेलना पड़ता है। तभी अभी से आज आया है दुकान में, तो उसी से जो है दवा भेज दिए दर्द बुखार का। अभी यहाँ से जाएंगे नाइट में तो पूछेंगे कैसा तबीयत है, क्योंकि काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है मेरा। दोस्तों अभी जो लोकेशन देखते होंगे कितना ज़्यादा शानदार दिख रहा है, क्योंकि अभी बारिश हुआ है और अभी जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त है, सुहावन सा ये देख सकते हैं। और इधर धान बोया है तो देख सकते हैं हरियाली कितना मस्त है, और ये रहा लुक, बारिश हुआ है ये देखिए, ये अपना बाइक लगा हुआ है। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है मौसम, और अंदर आते ही इतना ज़्यादा मस्त नहीं रहेगा, देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लाइट काटा हुआ है, 1.5 घंटा से लाइट काटा हुआ है, और मैं सोकर यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल अब क्या करते हैं, जो भी कटिंग का काम बचा है कर लेते हैं। एक पैंट सीना था, और सीने के लिए ये देखिए, सीने के लिए रेडी हम रखे हुए थे मशीनों पर, बट क्या करें। चलिए फिलहाल कटिंग करते हैं, टाइम को जाया जा तो नहीं करते हैं। तो दोस्तों फाइनली दुकान का काम खत्म हो चुका है, चलते हैं घर पे। और अभी टाइम जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये देखिए 9:15 हो गया है, 9:15 हो चुका है, और क्या बताएं, थोड़ा सा ड्यूटी हार्ड है। फिलहाल चलते हैं घर पे और बात करते हैं। आज जो है दो ही पैंट सिला पाया है दोस्त, और प्रेस भी नहीं लग पाया है, ये देखिए दोनों रखा हुआ है वहाँ पे, देख सकते हैं आप, ठीक है। और काम क्या हुआ है वो दिखा रहे हैं कि काम रियल में क्या हुआ है, परफेक्ट। तो ये देखिए क्या हुआ है, पूरा पहाड़ लगा हुआ है, कटिंग जितना था A to Z कर दिए हैं कटिंग, जैसे कि ये देख सकते हैं, परफेक्ट। तो लाइट काटा हुआ था इसलिए स्टिचिंग काम नहीं हो पाया है। और चलते हैं घर पे, देखते हैं वाइफ क्या कर रही है, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है अंडा पुड़ी लेने के लिए, तो अंडा ले लेते हैं। तो
और उसके बाद घर पे कुछ बात होगी। तो दोस्तों फाइनली जो है घर पे आ चुके हैं और वाइफ रेडी है शॉर्ट्स बनाने के लिए और बाबू जो है सोया हुआ है। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये ब्लॉग मेरा लाइफस्टाइल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली जो है अपने दुकान का इनकम और खर्च दोनों बताएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि सर आप कितना कमाते हो कितना कमाते हो। तो महीने के लास्ट में आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं दुकान से कितना कमाता हूँ यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। इसलिए डेली का अर्निंग और आउटपुट दोनों दिखाएंगे। क्या जी सही रहेगा ना। और वाइफ का जो है क्या कहना है थोड़ा सा आप लोग सुनिए स्पेशल। ये जो मेरा चैनल है आरएस फैशन ब्लॉग उसको सपोर्ट करें दोस्तों। ये वीडियो 6 तारीख 9वां महीना 2023 का है, देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशान रहते हैं ना इसी से होते हैं। ये देखिए महीने का 24-25 हज़ार इसी में मेरा चल जाता है। और ये देख लीजिए ये रहा इनकम, इनकम टोटल मेरा हुआ 520 रुपया और खर्च कितना हो गया 521 रुपया। ये तो कुछ नहीं है, कभी कभी तो यहाँ जीरो होता है और यहाँ पे 5-6 हज़ार होता है। और इसके 6 दिन पहले का जो है हम रिपोर्ट बनाए हुए हैं, तो लास्ट दिन महीने के लास्ट दिन हम दिखाएंगे कितना जो है इनकम होता है और कितना खर्च है। और ये सब खर्च कहाँ से मेंटेन होता है, कुछ यूट्यूब से भी होता है। तो दोस्तों ये जो दुकानों में पैसा आता है ना उसका है। और आज जो है 2 ही पैंट सिले हैं, तो जान सकते हो कितना इनकम हो सकता है 2 पैंट में। और जो जितना भी स्टिचिंग करेंगे और जितना भी इनकम होगा और आउटपुट होगा दोनों बताने वाले हैं। वीडियो के कहीं भी बीच में लास्ट में शुरुआत में कभी भी बता सकते हैं। मेरे वीडियो को डेली देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।